अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है, हां 454 454 454 ना 2। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। ये कथन कि अभी क्यों नहीं, और ये वक्त हमारा बिल है तो अभी करिए, तो महोदय ये उस बिल की प्रति है जिनको वो हमारा कहते हैं। उसमें अगर आप दूसरे पृष्ठ पे 2B और 3B पढ़ें, और ये वो है जो कांग्रेस पार्टी कहती है यूपीए की सरकार में राज्यसभा में पारित हुआ और फिर लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। अगर आप इस पृष्ठ पर ये दोनों छंद पढ़ें तो यूपीए जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उन्होंने कहा है नो सीट शैल बी रिजर्व फॉर विमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इन द 3rd जनरल इलेक्शन। 3B पढ़ें तो उन्होंने कहा, प्रस्ताव दिया, नो सीट शैल बी रिजर्व फॉर विमेन इन द 3rd जनरल इलेक्शन, अर्थात आज की सरकार जब यह अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव यह था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन SC/ST इन द 3rd जनरल इलेक्शन, नो सीट शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन इन द 3rd जनरल इलेक्शन। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। It is both my pride and my shame that I stand here as a woman in India's parliament speaking on a women's reservation bill. It is my pride that I belong to the All India Trinamool Congress, a party that sends 37% women among its members to parliament. It is my chagrin that I belong to a Lok Sabha, a house of the people, that on aggregate has only 15% of its members as women, far below the global average of 26.5%. And also below the Asian regional average of 21%. Within women parliamentarians,
Muslims and Dalits have been consistently underrepresented. From 1952 to 2004, only 8 Muslim women were elected to India's parliament, to the Lok Sabha, many of whom served multiple terms. In today's Lok Sabha, the 17th Lok Sabha, there are only 2 Muslim women members, both from West Bengal, both from the All India Trinamool Congress, I may add. We are being asked time and again, do we support the Women's Reservation Bill? Trinamool Congress is bill ko support karega ya nahi? BJP's liaison members are reaching out to us, calling us, asking us to support this bill wholeheartedly. No ifs, no buts, pura support, please kijiye. To them we say very clearly, we not only support a women's reservation bill, but in truth it is Mamata Banerjee, India's only chief female chief minister today, who is the mother of this bill, who has given birth to the original idea, where she has unconditionally sent 37% of women MPs to this parliament on her ticket. What you have brought here, what this government has brought here today, is not a women's reservation bill. It is a women's reservation rescheduling bill and should be renamed as such. भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और 142 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ की आबादी महिलाओं की है, लेकिन बहुत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हमारे लोकसभा में जो महिलाओं की भागीदारी है वो महज 14% है और राज्यसभा में केवल 11% है। 2024 का चुनाव है, सर्वदलीय बैठक में मैं सुन रही थी, कई सारे हमारे साथी महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग कर रहे थे, तो अब मैं देखती हूँ एक अजीब स्थिति है कि अगर सरकार इस बिल को पेश नहीं करती तो आप कहते हैं कि आप तो महिला विरोधी, आप तो महिला की चिंता नहीं करते, आप महिला के प्रति वादा पूरा नहीं करते, और जब सरकार बिल ले आई है तो आप कहते हैं कि अभी 2024 के आप चुनाव को देखकर लाए हैं, चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा। अधिक जी, हर फैसला संसद में बैठकर किसी चुनाव को देखकर नहीं किया जा सकता। सर, इन अ हाउस ऑफ 543 MPs, इट टेक्स 78 of us who have fought thousands of men against thousands of men to eventually reach this house, sir. और जब पता लगा कि women bill आ रहा है, reservation bill, तो इतनी excitement देश में सबने welcome किया कि 75 साल बाद eventually we are getting our right. The hopes were built up till there, only to be dashed in 24 hours when the details came out that this reservation bill is going to come in after the census takes place, after delimitation. आपने promise किया है, तो 9.5 साल आपको क्यों लग गए इधर लाते हुए? 9.5 साल आप क्या कर रहे थे? समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा।